बैठक लेने के बाद कहा गया था कि यदि कहीं आपका रिश्तेदार या पाल परीक्षा दे रहा है तो आपको शपथ पत्र देना है, लेकिन यहाँ के एक केंद्र ने, यहाँ पर जो केंद्र व्यवस्थापक है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि उनका सगा बेटा इस परीक्षा में। अब देखिए, पर्टिकुलर चीजें मुझे नहीं पता होती, अगर ऐसा होगा तो दंडित होगा। देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है और हम लोगों के लिए चैलेंज है। जनपद में हमारे जो परीक्षा होने जो जा रही है, इसमें 16 केंद्रों पर तो सुबह की पाली में परीक्षा होगी, जिसमें 9,566 बच्चे भाग लेंगे, और दूसरी पाली में हमारी जो परीक्षा होगी वो 7 केंद्रों पर होगी, जिसमें 4,746 बच्चे भाग लेंगे। इन सभी केंद्रों पर हमने एक मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार या अन्य जिला स्तरीय अधिकारी को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया है। प्रत्येक केंद्र पर एक पर्यवेक्षक भी लगाया है, और प्रत्येक केंद्र के कमरों में जिसमें परीक्षाएं होंगी उसमें CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है। हम लोग सतत रूप से क्रियाशील रहेंगे। पर्चे जो हैं वो आ चुके हैं, डबल लॉक में ट्रेजरी में रखे हुए हैं, और इनको ले जाने की जिम्मेदारी, सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमने मजिस्ट्रेट की लगाई। सर, नकल रोकने के लिए कुछ? नकल रोकने के लिए CCTV कैमरे हैं, प्रशिक्षण हमने जो है दे दिया है, जो ड्यूटी लगेंगे उनको प्रशिक्षित किया जा चुका है, सारे सेंटर सुपरिंटेंडेंट के साथ वार्ता हो चुकी है, कई लोगों की मीटिंग हो चुकी है, और कोई नकल नहीं होने दी जाएगी। साथ ही साथ जो बच्चे इसमें परीक्षा में भाग लेने आ रहे हैं, परीक्षा देने आ रहे हैं, उनसे भी अपील है कि वो कोई कापी किताब, मोबाइल, ऐसा गजट लेकर के ना आए, क्योंकि जो प्रवेश मिलेगा वो केवल जो उनको प्रवेश पत्र है उसके आधार पर, और उनके पास वो ID कार्ड भी होना चाहिए जिसको उन्होंने ऑनलाइन में प्रवेश पत्र में भरा है, वो ID कार्ड भी होना चाहिए, और 2 कागज रखे गए हैं जो उसके प्रवेश पत्र पर लिखे हैं, उन अभिलेखों को भी लेकर के आना है। कोई चीज़ अंदर अलाउड नहीं होगी, इसलिए कोई अनावश्यक चीज़ लेकर के कोई अभ्यर्थी ना आए।